देखो, बिजनेसमैन बनने के लिए काफी लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन वो रियल, इसका रियल प्रोसेस समझ नहीं पा रहे। रियल प्रोसेस क्या है इसका, बिजनेस का? ये जो बिजनेस है ना, ये कोई बच्चे का चीज नहीं है कि कोई भी आए और पढ़ा के चले जाए बस। ये ऐसा वैसा काम नहीं है कि कोई भी कर लेगा। इसके लिए एक अच्छा बिजनेस माइंड चाहिए। एक अच्छा बिजनेस माइंड ही एक छोटे से बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सकता है। बिजनेस बढ़ाने के लिए भी माइंड चाहिए। बिजनेस में हर एक चीज छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक बिजनेस माइंड वाला माइंड चाहिए। बिजनेस वाला माइंड हर इंसान के पास नहीं होता है, लेकिन उसको पास जरूर सकता है। और उस बिजनेस माइंड को पाने के लिए उसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए और प्रॉफिट पे, कि मैं इस छोटी सी छोटी चीज़ को कैसे प्रॉफिट में चेंज कर सकता हूँ। बस इतना ही उसको चाहिए कि मैं इस छोटी सी चीज़ को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करूँ। कोई भी सस्ती चीज़ हो, उसको कैसे भी करके उसे प्रॉफिट में चेंज करके ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया उसने। बस ये है बिजनेस माइंड वाला दिमाग। बिजनेस के लिए हर पहले छोटी सी चीज़ लेना पड़ता है, उसके बाद उसी छोटी सी चीज़ को हीरे में या फिर सोने में कन्वर्ट करना पड़ता है, कैसे भी करके। बस उसके लिए माइंड की ज़रूरत पड़ेगी कि तुम्हारा माइंड कैसा चल रहा है कि तुम एक कंकड़ को भी सोने में कन्वर्ट कर दो, लोगों को बेच दो। बस ये होता है एक माइंड वाला दिमाग, एक बिजनेस माइंड वाला दिमाग। बिजनेस के लिए प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम लॉस में नहीं गए तो तुम्हें प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तुम्हें प्रॉफिट पाने के लिए लॉस में भी जाना पड़ेगा। ये लॉस और प्रॉफिट, ये दोनों एक कन्वर्ट हैं। एंड इसी से तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ तो तुम उसका क्या करोगे? अगर मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ, ध्यान से सुना, तुम उसका करोगे क्या? उससे मुझे, उस 10 रुपये से मुझे अगर 100 रुपये बनाने हो तो तुम कैसे बनाओगे, वो भी 1 घंटे के अंदर? तुम क्या क्या कर सकते हो? यही सवाल मैंने एक लड़के से पूछा था, तो उसने मुझे कहा था कि मैं इस 10 रुपये से कुछ अलग करके दिखाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि चल भाई करके दिखा। तो मैं उसके पीछे पीछे गया और उसने क्या किया सुनना। सबसे पहले वो 10 रुपये में 5 रुपये की नींबू खरीदता है, केवल एक नींबू 5 रुपये में। और 5 रुपये का नींबू खरीदने के बाद 5 रुपये का जलजीरा खरीदता है। 5 रुपये का नींबू, 5 रुपये का जलजीरा, बस ये 2 चीज लेने के बाद वो सीधा गया प्लास्टिक की दुकान पे, जहाँ पे थाली, प्लास्टिक की थाली, प्लास्टिक का ग्लास मिलता है। वहाँ पे जाने के बाद उसने 5-6 ग्लास ऐसे ही ले लिया। 5-6 ग्लास लेने के बाद वहाँ से उसने कहा कि मुझे उधार चाहिए, मैं आपको पैसे बाद में लौटा दूंगा। इतना कहने के बाद दुकानदार उसके पहचान का था, इसलिए उसने उसे हाँ कह दिया। एक नींबू, 5 पैकेट जलजीरा, उसके बाद 5-6 ग्लास, इतना सब लेके वो सीधा आ गया अपने घर पे। इतना सब लेने के बाद वो वहाँ पे जाके एक बड़े से लोटे में पानी मिलाया, नींबू करा, जलजीरा मिलाया और ग्लास खाली हाथ में लेके चल दिया। उसके बाद उसको मैंने देखा, वो बड़े बड़े दुकानों में ना जाके ऐसे लारियों पे जा रहा था जहाँ पे धूप में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो बोलता है कि 10 रुपये ग्लास नींबू पानी है, बहुत अच्छा है। और वहाँ पे जाके उसने 10 रुपये का 1 ग्लास बेचा नींबू पानी, और उसे प्रॉफिट हुए 50 रुपये। और वो कहाँ गया था? बड़ी दुकानों में ना जाके छोटे छोटे दुकानों में, लारियों में, जहाँ पे धूप में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाके उसने बेचा। वहाँ पे जाके बेचने के बाद उसे 50 रुपये तो मिल गए, लेकिन उसके बाद वो एक और दुकान पे गया, वहाँ से उसने चाय की सामग्री खरीद ली, 5 रुपये की चाय खरीदा, 10 रुपये का दूध का पैकेट खरीदा, उसके बाद चीनी खरीदा और जो भी चाहिए उसने खरीद लिया। उसके बाद प्लास्टिक की दुकान पे जाके उसका उधार चुकाया। उधार चुकाने के बाद वो वहीं से छोटी छोटी कप ले लिया, छोटी छोटी। उसके बाद घर पे जाके चाय बनाया। चाय बनाने के बाद उसने छोटे छोटे कपों में जो कप लिया था उसको भी एक जुट कर लिया, उसके बाद लेके चल दिया एक मग में। और वो चाय छोटे छोटे धूप में काम करने वालों को ना बेचकर उसने बड़े बड़े सेठों को बेचा, जो एसी में बैठकर सपनी अपना बिजनेस कर रहे, व्यापार कर रहे हैं, उनको जाके 5 रुपये का एक कप बेच दिया अच्छे से, और जिससे उसे बहुत मुनाफा हुआ। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाई अब इतने ही पैसे हुए हैं, बाकी के पैसे कैसे लाएगा तू अब? तो उसने कहा, रुको जरा मैं भी बताता हूँ तुम्हें मैं कैसे आगे के पैसे लाऊंगा। वो अपने दोस्त के पास गया, अपने फ्रेंड के पास, उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसके पास गया, और उसने उससे कहा, यार तुझे एक काम करना है मेरे लिए, बस तुझे खड़े रहना है एक जगह पे, मैं तुझे पैसे दूंगा 10 रुपये। तो उसका दोस्त मान गया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने झट से एक दुकान पे गया और वहां से कुछ गुब्बारे लाए,
और उन गुब्बारों को फुला के एक डंडे में बांध कर अपने दोस्त को खड़ा कर दिया। बोला, मैं इस गुब्बारों को आगे रख दे रहा हूँ, तू बस पीछे बैठ के बस तुझे यहाँ पे खड़े रहना है और यहाँ पे तुझे जो भी जा रहा है उसको गुब्बारे गुब्बारे कह के बस उसको कैसे भी करके गुब्बारे भेजना है। इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है, गुब्बारा गिन लेता है। उसने ये भी कहा कि एक गुब्बारा तू 2 रुपए का बेचना। बस इतना कह के वहाँ से चला गया और वो गुब्बारा 2 रुपए के ही थे और अच्छे वाले गुब्बारे थे, लेकिन वो गुब्बारे वो फैक्ट्री से लाया था, सीधा जहाँ से वो बनता है वहाँ से लाया था, वहाँ से लाया था। और उन गुब्बारों को वो बहुत ही सस्ते दाम में लाया था और उसको उसमें से फ्री भी मिले थे, जिससे उसको और ज़्यादा प्रॉफिट होने वाले थे। उसके बाद अपने दोस्त को वहाँ खड़े करने के बाद वो वहाँ पर नहीं रुका, वहाँ से वो सीधा बड़े दुकानों से कुछ नींबू खरीद के सस्ते दामों में बेचता है, जिससे उसको और प्रॉफिट होता है। वो कैसे? क्योंकि उसने जितने भी नींबू खरीदे थे वो कम दाम में थे और उसको उसमें कुछ प्रॉफिट भी मिले थे, जिससे उसको कम दामों में बेचने में आसानी थी। उतना करने के बाद वो वहाँ से सारे नींबूओं को बेचकर सीधा जितने भी सारे पैसे मिले थे उस सारे पैसों को लेकर अपने दोस्त के पास आया, जिसको वो गुब्बारे बेचने के लिए खड़ा किया था। उसके पास आके देखा तो उसके भी काफ़ी गुब्बारे बिक चुके थे, काफ़ी बच गए थे, लेकिन ज़्यादातर बिक चुके थे। सारे पैसे मिलाने के बाद उसके पास इकट्ठे हुए 175 रुपये लेकर वो मेरे पास आया और कहा, लो भैया, मैंने 10 रुपये के 175 रुपये आज एक घंटे में, क्या आपने एक घंटा बोला, अभी एक घंटे भी पूरे नहीं हुएंगे और मैंने पूरे 175 रुपये आपको दे दिए। मैंने उसके 10 रुपये अपना ले लिया, बाकी पैसे उसको दे दिया। ये स्टोरी तुमको थोड़ी अजीब जरूर लगी होगी, लेकिन रियल लाइफ में बिजनेस ऐसा ही होता है। अगर बिजनेस में तेज होना है तो ज्यादातर अपने माइंड को एक्टिव रखना होगा और जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसे खर्चा करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना होगा कि कितना मैं इन पैसों को और ज्यादा कैसे बढ़ा कर सकता हूँ, इन पैसों को और ज्यादा बढ़ा के उनसे भी कुछ और इन्वेस्ट करके उसके भी डबल कैसे कर सकता हूँ। पैसा रुकना नहीं चाहिए, एक बिजनेसमैन जो होता है उसके पास पैसा नहीं रुकता, वो उससे अलग उसका डबल करने की सोचता रहता है। अगर बिजनेसमैन बनना है तो पैसा एक जगह नहीं रुकना, उसका इन्वेस्ट करके उसका डबल करते रहना, डबल करते रहना। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।